वीएचपी उपाध्यक्ष चंपत राय को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का महासचिव बनाए जाने पर निर्मोही अखाड़े के महंत धर्मदास ने विरोध किया है। महंत धर्मदास ने चंपत राय एंड कंपनी को लुटेरा बताते हुए कहा कि इनके रहते राम मंदिर निर्माण अच्छे से नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, महंत धर्मदास ने इस मामले को लेकर पीएम और गृह मंत्री को पत्र भी लिखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में नृत्य गोपाल दास को मुखौटे के रूप में रखा गया है, सारी पावर चंपत राय और उनके चेलों के हाथ में होगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां वीएसपी उपाध्यक्ष चंपत राय को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का महासचिव बनाए जाने का निर्मोही अखाड़े के महंत धर्मदास विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कई आरोप भी चंपत राय पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा अगर चंपत राय यहां मौजूद रहेंगे तो। कि यह जिस तरह से यह ट्रस्टियों की बैठक हुआ अपारदर्शिता रूप में, यह ट्रस्टी की बैठक ही नहीं था, ये तो केवल चंपत राय ही सभी कागज लिखना पढ़ना लिखाना और वहाँ जा करके ये लोग एक चुपचाप बैठे रहे, आकर के सुना दिए, हो गया, माला पहन लिए, चले आए। सभी ने इनको कहा कि ये गलत आदमी है, ये हृदय के कपटी है, यह आदमी कभी ट्रस्ट में रहने योग ही नहीं था। आ इसको ट्रस्ट में रख करके जब राम जन्मभूमि, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के नियत के खिलाफ है। तो हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। तो सत्यप्रकाश, जिस प्रकार से देख रहे हैं हम कि जो धर्मदास हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या चंपत राय और जो महंत धर्मदास हैं इनके बीच पहले कोई मनमुटाव रहा है या इन लोगों की अनबन पहले भी रही है, तो इसको लेकर अब धर्मदास विरोध कर रहे हैं? प्रकार से जो विश्वहिंदू परिषद जो है, जो अपने राम मंदिर आंदोलन को शुरू किया था, उसके दौरान जो ये विवादित ढांचा भी किया गया था, तो कहीं ना कहीं इसके दौरान जो कई मामले ऐसे आए थे जिसके बाद से धर्मदास और विश्वहिंदू परिषद में एक दूसरे हमेशा विरोधी रहे हैं। तो आज भी ट्रस्ट का गठन होने में महंत धर्मदास को जगह न मिलने के कारण भी विश्वहिंदू परिषद पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर चंपत राय पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ये पूरा माना जाए तो ये जो पूरे दोनों के बीच का जो मामला है, कहीं ना कहीं काफी दिनों से ये चल रहा है, जिस पर अभी तक कोई सहमति लोग नहीं बना पाए। कई बार प्रयास भी किया गया कि लोग एक दूसरे से मुलाकात करें, उसके बाद जो बातचीत हो जाए, जिससे कि इसका विरोध ना हो सके, लेकिन ट्रस्ट में जगह न मिलने के कारण धर्मदास आज फिर एक बार विरोध पर खड़े हो गए हैं, चंपत राय के विरोध में है। लेकिन चंपत राय अभी इस मामले पर कुछ भी कहने से इतरा रहे हैं, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि चंपत राय का क्या स्टैंड होगा महंत धर्मदास को लेकर, लेकिन इसका कह पाना भी संभव नहीं है। जी सत्य प्रकाश, अगर देखा जाए जिस प्रकार से धर्मदास लगातार चंपत राय को लेकर बयान दे रहे हैं, तो क्या चंपत राय ने अभी तक कोई बात कही है महंत धर्मदास को लेकर? धर्मदास ने चंपत राय जी पर आरोप लगाया है, तो चंपत राय अभी तो उस पर कुछ बोलने से इतरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साफ साफ उनका कहना है कि धर्मदास जो भी बोल रहे हैं वो उनका वक्तव्य है, उस पर हमें कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि अयोध्या संतों की नगरी है और वो भी संत है, वो पूजनीय है, वो कुछ भी विरोध करे हमें इसका कोई मतलब नहीं होगा। जी सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे दूसरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र यादव, उनसे जानेंगे इस खबर के बारे में कि आखिर क्या है। तो नरेंद्र, जिस प्रकार से लगातार दोनों संतों के बीच विरोध देखने को मिल रहा है, तो क्या चंपत राय ने अभी तक कोई बात कही है खुलकर सामने, मीडिया के सामने? राय जब से तीर्थ जन्मभूमि निर्माण को बनाई गई थी, तब से ही अयोध्या के साधु संतों में नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन जो धर्मदास है निर्मोही अखाड़े के महान थे, इन्होंने खुलकर बयान दिया है और नाराजगी जताई है कि ये जो महासचिव बनाए गए हैं चंपत राय, ये पूरे ट्रस्ट को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो अयोध्या के तमाम साधु संत हैं जो ट्रस्ट में अपनी भागीदारी चाहते थे, पद चाहते थे, उनको ना मिलने की वजह से भी नाराजगी है। तो इस तरीके से साधु संतों का एक वर्ग है जो चंपत राय को लेकर नाराज है और चाहता है कि चंपत राय जो विश्वहिंदू परिषद के नेता हैं, इनको ट्रस्ट में न रखा जाए। इसी का नतीजा है कि अब धर्मदास जो निर्मोही अखाड़े के महंत हैं, ये खुलकर सामने आ गए हैं और ये बयान भी दे रहे हैं कि वो ट्रस्ट पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तो एक धड़ा अयोध्या में ऐसा है साधु संतों का जो
चंपत राय से नाराज दिख रहा है। जी जी नरेंद्र भाई, चंपत राय को देखकर जिस प्रकार से लगातार जो संत हैं वो नाराज दिख रहे हैं, तो क्या चंपत राय पे पहले भी कोई आरोप लगे हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से संत कह रहे हैं कि ये मंदिर निर्माण में खलल भी डाल सकते हैं? देखिए, साधु संत जो अयोध्या के हैं उनका ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की संख्या या जो ट्रस्ट में पदाधिकारी हो उसमें। जी जी नरेंद्र, जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समर्थन जुड़ने के लिए।